दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर चलाए जा रहे एंटी डस्ट अभियान की कड़ी में आज बुराड़ी के मुख्य मार्ग के साथ बन रहे नाले के निर्माण साइट्स का स्थल निरीक्षण किया। पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का मौके पर बड़े पैमाने पर उल्लंघन होता पाया। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि साइट्स पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में भारी लापरवाही पाई गई। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर बढ़ रहे प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए संबंधित विभागों को जो सतर्कता बरतनी चाहिए उसमें लापरवाही दिख रही है। हमने DPCC को PWD पर 20 लाख रुपए का पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। PWD को साइट पर पानी के 2 और टैंकर लगाने का निर्देश दिया। इसके अलावा बाहर निकाली गई मिट्टी को ढकने का निर्देश दिया। दिल्ली के अंदर धूल के उड़ने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार एंटी डस्ट कैंपेन शुरू कर चुकी है, जिसके तहत सरकार ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और उसका उल्लंघन जो करेगा उस पर कार्रवाई होगी।